आखिर प्रमोजन चेतना मंच, पहले बताना पड़ेगा प्रमोजन चेतना मंच क्या है, अटल स्वाभिमान सभा का आयोजन क्यों किया गया है और श्री संजय कुमार जी कौन है। तीन विषय ऐसे हैं जिनको मुझे ही रखना पड़ेगा। पहली बात तो ब्रह्मजनों के लिए ही नहीं, बिहार में जितने भी समाज हैं, बिहार में जाति एक सच्चाई है, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। और अच्छी बात, जाति सच्चाई भी है, सब मिलकर एक दूसरे के साथ में काम भी करते हैं और बिहार के प्रोग्रेस में योगदान भी करते हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन दुख तब होता है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, दुख तब होता है जब हम लोग मंच तो बनाते हैं लेकिन प्योर पॉलिटिकल मंच रह जाता है। हम सरकार से डिमांड करने लगते हैं कि हमारे समाज के लिए ये चाहिए, हमारे समाज के लिए वो चाहिए, वरना आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, उसका भी हक बनता है। राजनीतिक मंच भी होने चाहिए और राजनीतिक मांगे भी मजबूती से रखी जानी चाहिए। हर वर्ग को अधिकार है, हर समाज को अधिकार है और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार संविधान में देता है, प्रेशर ग्रुप के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब एक घटना घटी, उसका मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा, उसके बाद मुझे लगा कि क्या मैं जातिवादी हो गया। मैं तो चला था बिहार का विकास करने, बिहार की बात करने, अचानक मैं जाति की बात कैसे करने लगा। हम तो बंगाल में पले बढ़े हैं, मेरे बच्चों के नाम के साथ मैं राय भी नहीं लगाता। एक पुत्र का नाम है आर्य सुमन, देखकर कुमार सातकी, और यहां आकर मैं क्या है ब्राह्मण बनिहार ब्रह्मजन ब्रह्मजन करने लगा, ये क्या चीज है। हमने पाया कि हम समाज से अलग नहीं है। अगर हर समाज, हर समूह अपने आप को इस रूप में आइडेंटिफाई करता है तो प्रत्येकता का डिमांड है। जब प्रत्येकता आती है तो अलगाववाद होता ही होता है। जब आइडेंटिटी क्राइसिस होता है तो सेपरेटिज्म होकर रहेगा, ये मैं नहीं रोक सकता, प्रकृति का नियम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने समाज का ख्याल रखते हुए भी दूसरे समाज के साथ समन्वय और सद्भाव रखकर आगे बिहार का विकास कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा, मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है अपने गुरुजनों का, इसलिए साहस भी हमेशा जो है बढ़ता है और राजनीतिक प्रयोग करने से मैं पीछे नहीं हटता। एक 5-6 महीने पहले हम लोग के दिमाग में आया कि एक तो पहले नॉन पॉलिटिकल लीडर चाहिए। मैं कुछ भी कहूं कि मैंने एक संस्था बनाया है और मैं उसका अध्यक्ष हूं तो लोग कहेंगे जरूर इसको भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश है। सच्चिदानंद राय अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मंच का निर्माण किया है। तो एक ऐसे कमांडर की खोज के लिए निकले जो कमांडर अनुभव भी रखता हो संगठन बनाने का, जिसके अंदर समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो और जो 100% समय देने के लिए उपलब्ध भी। ऐसा दुर्लभ चीज कहीं मिलता तो है नहीं। लेकिन देखिए मेरा सौभाग्य, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में रहकर उनके शिष्य और सहयोगी के रूप में 26 वर्षों का अनुभव रखने वाले श्री संजय कुमार जी हमें मिल गए संयोग से। मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद के रूप में संजय जी को मांग लिया। मैंने कहा गुरुदेव, मैं एक सामाजिक कार्य करने की सोच रहा हूं, क्या कार्य है वो छोड़ दीजिए, बढ़िया कार्य है और संजय जी उसके लिए सबसे ऊपर आशीर्वाद दीजिए। पता नहीं क्यों उतना स्नेह करते हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जानता हूं कि संजय को फ्री करना हमारे लिए बहुत कठिन हुआ क्योंकि ये करीब 65 स्कूल देखते हैं और 18 वर्षों से जम्मू कश्मीर खास करके जो आतंकवादियों का गढ़ है वहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से वहां पर राष्ट्रवाद का अलग जगह कर रखते हैं, तो वहां से निकालकर बिहार भेजना थोड़ा कठिन कार्य जरूर है। लेकिन आप जब कहते हो कि कोई बहुत ही बढ़िया कार्य करने जा रहे हो तो मैं आशीर्वाद देता हूं, जाए संजय आपके साथ मिलकर काम।